आप ये समझो बेटा, एक आपका जो टेस्ट है ना, टेस्ट आपका एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। आपको पता चल गया है आपकी स्थिति क्या है, आप खुद ही बदल सकते हो। सवाल नहीं हो रहे, आप ही को प्रैक्टिस करके सुधारना पड़ेगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपको ही लगाना पड़ेगा। ये जितना भी पार्ट है बेटा, ये आपके एंड का पार्ट है। आप ये समझो, मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ नहीं हो रहा है कहने से काम नहीं चलेगा। किसी भी चीज में आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको अपने आप में बदलाव लाने के लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जो आपको पसंद ना हो। हर कोई इंसान वही चीज करता है जो उसे पसंद ना हो बेटा, तभी तो डिसिप्लिन में रहता है। मुझे सोना पसंद है तो क्या आप ये बताओ, दिन भर अगर मैं सोता रहूंगा तो क्या मेरा घर चल जाएगा? नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। मुझे घूमना पसंद है, मैं घूमता रहूंगा तो क्या काम चल जाएगा? नहीं। आपको जो रियलिटी दिखती है ना, वो एक वर्चुअल रियलिटी। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आप जो देखते हो ना बेटा, दैट एवरीथिंग इज फेक। मैं सच बता रहा हूं, वो लोग अपनी लाइफ का सिर्फ अच्छा हिस्सा पोस्ट करते हैं, कोई अपनी लाइफ का बुरा हिस्सा नहीं दिखाता। और आपको फिर ये लगता है यार, दूसरे की लाइफ में सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ये समझो, समझ में आ रहा है? लाइफ बेटा, रियलिटी में लाइफ जीना, लाइफ में रहना, वो रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी से बहुत गलत है। वो बस दूसरे को दिखाना चाह रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में कितना खुश हूं, यार देखो, आप लोग देखो और जेलस फील करो। वो बस इसी को दिखाने के बाद खुश है। इंस्टाग्राम में भले ही उसके 10, 20, 15, 20,000, 1,00,000 फॉलोअर है, असली जिंदगी में एक दोस्त नहीं है जिसके साथ वो बैठ करके ये बोल सके यार लाइफ बढ़िया नहीं चल रही है। आप ये समझो, आपको कुछ नहीं चाहिए बेटा अभी ये लाइफ में। दूसरों को देख करके फैसिनेट मत हो। अपने आप पे अभी काम कर ले जाओगे ना तो जिंदगी बन जाएगी बॉस, आपकी नहीं, आपके परिवार की भी बन जाएगी। आपके पेरेंट्स बहुत संघर्ष करते हैं। आप ये समझना, आप बस मुझे एक चीज बता देना और उससे रियलाइज हो जाएगा। एक ऐसी चीज बता दो तुम्हारे पिताजी के पास जो तुमसे अच्छी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे जूते हो, चप्पल हो, मोबाइल फोन हो, कोई एक चीज बता दो। वो हमेशा यही सोच करके अपना हाथ पीछे कर लेते होंगे, यार बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे की फीस है, और बच्चा क्या कर रहा है, दूसरे की फोटोज, दूसरे का इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें लाइक कर रहा है। प्लीज उस जंजाल से बाहर आओ, वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट के लिए बनी है। समझ में आ रहा है? आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके माता पिता आपके पास है, कोई भी एक इंसान है, भाई बहन है, उससे बड़ा कोई नहीं है यार, तो बड़ा कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? आप बाकी सारी चीजों का सेक्रीफाइस करो, पढ़ाई करो, एक साल के लिए बस, क्लियर? तो पढ़ाई करना बेटा, लग करके पढ़ाई करना, रगड़ देना, मतलब दूसरे को देख के घबराहट हो जाए कि भाई आदमी पागल वागल हो गया क्या। आप ये बात मानना,